गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट की वीडियोस तक हम लोग बात कर रहे थे आर्थ्रोपोडा के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की, ठीक है ना। आर्थ्रोपोडा के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की, जिसमें हमने कुछ एग्रीकल्चर में जो लाभकारी हों ऐसे जीव देख लिए थे। आज हम देखने वाले अपमार्जक के रूप में कुछ जीव, कुछ आर्थ्रोपोडा के जो जीव हैं ये अपमार्जक के रूप में भी क्या करते हैं, मनुष्य की सहायता करते हैं। अपमार्जक ऐसे जीवों को कहा जाता है जो कि किसी भी चीज़ को सड़ाले सड़ाने गलाने या समाप्त करने में क्या करते हैं, अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। सूक्ष्म जीवों के रूप में ही पाए जाएंगे, तो ये कह सकते हैं अपमार्जक के रूप में। अपमार्जक एज स्केवेंजर्स, एज स्केवेंजर्स, ठीक है ना। कुछ कीट क्या करेंगे, कुछ इंसेक्ट क्या काम करेंगे, मृत प्राणी प्राणी होगा, कोई भी डेड एनिमल होगा या कोई भी प्लांट होगा, ठीक है ना, उसकी जो बॉडी होगी उसको गलाने का काम करते हैं, उसको सड़ने से रोकेंगे, या कह सकते हैं भक्षण करने का, उसको खाने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कुछ कीट, कुछ कीट मृत प्राणियों, मृत प्राणियों व पादपों के शरीर का भक्षण करते हैं, भक्षण करते हैं और इन्हें सड़ने से रोकते हैं, सड़ने से रोकते हैं, ठीक है। सिल्वर फिश, लैपिज़मा जिसे बोलते हैं हम लोग, सिल्वर फिश लैपिज़मा जिसे बोलते हैं, जो कि बुक वगैरह में आसानी से देखने को मिल जाती है। दीमक टर्माइट्स, दीमक और डंग बीटल, डंग बीटल, कॉकरोच, सम लार्वा, ठीक है ना, कुछ लार्वा और डोमेस्टिक फ्लाई जैसे घरेलू मक्खी बोलते हैं हम लोग, घरेलू मक्खी आदि यह कार्य करते हैं, ठीक है ना, आदि यह कार्य करते हैं, ठीक है। कुछ जो होंगे मोल्स वगैरह की यदि बात की जाए, या मोल्स क्या करते हैं, कुछ चींटियों को खाने का काम करते हैं। इसी प्रकार से जो चिंपांजी होता है ये भी दीमक को खाने का काम करता है। तो इनके लिए क्या करते हैं, भोजन के रूप में काम आते हैं, भोजन के रूप में काम आते हैं। ठीक है ना। अदर यूजेस की बात की जाए, अदर यूजेस की बात की जाए, तो ग्राइलस जो होता है ये क्या होता है, एक इंटरटेनमेंट के लिए एक स्पेशल टाइप की विशिष्ट प्रकार की ध्वनियों को उत्पन्न करता है, विशिष्ट प्रकार की ध्वनियों को उत्पन्न करता है, जो कि जिसे जापान में पिंजरों में बंद करके बेचा जाता है, ठीक है ना, पिंजरों में बंद करके बेचा जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं, घरों में मकड़ियों वो मछलियों को भी लुभाने के लिए और तितलियों को करते हैं, तितली लेपिडोप्टेरा में जो तितलियाँ आती हैं इनके पंखों को सजाने के रूप में काम में लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हो सकते हैं इसके अन्य उपयोग हो सकते थे। अब बात करेंगे हम लोग हानिकारक, हार्मफुल इंसेक्ट्स की। हार्मफुल इंसेक्ट की, ठीक है ना। हार्मफुल इंसेक्ट में फर्स्ट आएगा घरेलू नाशक कीट, हाउस होल्ड इंसेक्ट पीस, घरेलू
नाशक कीट। हाँ हाउसहोल्ड इंसेक्ट पेस्ट। हाउस होल्ड इंसेक्ट पेस्ट। अब इसमें क्या हो सकता है, कुछ कपड़ों जो खराब कपड़े होते हैं इनमें भी क्या हो जाते हैं, कुछ बीटल्स हो जाते हैं, और बुकों में क्या हो जाती है, लेपिस में जैसे हम लोग सिल्वर फिश वगैरह की बात करते हैं ये हो जाती है। आटे को भी खुद ट्राइबोलियम की यदि बात की जाती है, ठीक है ना, ट्राइबोलियम की यदि बात की जाती है तो ट्राइबोलियम क्या करता है, आटे को ख़राब कर देता है। ट्राइबोलियम नामक कीट, नामक कीट आटे को, आटे में उत्पन्न होकर आटे को खराब कर देता है, खराब कर देता है, ठीक है ना। यदि बात की जाए लेपिज्मा की, जिसे हम लोग बोलते हैं सिल्वर फिश, पुरानी किताबों अखबारों आदि में पाई जाती है तथा किताबों का या कह सकते हैं कागज का भक्षण करती है, भक्षण करती है, ठीक है ना, भक्षण करने का काम करेगी। कुछ जो जीव होंगे जैसे कि डोमेस्टिक फ्लाइज की यदि बात की जाए, घरेलू मक्खियों की बात की जाए, तो खाद्य पदार्थ को भी क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं। घरेलू मक्खियाँ फ्लाई, ठीक है ना, घरेलू मक्खियाँ घरों में पाए जाने वाले खाद्य पदार्थों पर अंडे देकर वह दूषित कर सकते हैं, दूषित कंटेमिनेटेड कंटेमिनेटेड दूषित करके खाद्य पदार्थों को नष्ट कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, ठीक है ना। खाद्य पदार्थों को क्या कर सकते हैं, नष्ट कर देते हैं। कुछ जो जीव होंगे ये क्या करेंगे, जो गलीचा होता है, कारपेट होता है, ठीक है ना, इनको भी क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, इनको भी नष्ट कर देते हैं, ठीक है ना। सेकंड नंबर पे आ सकता है घरेलू पशुओं के लिए हानिकारक, घरेलू पशुओं के लिए हानिकारक, ठीक है ना, हार्मफुल टू डोमेस्टिक एनिमल्स। हार्मफुल टू डोमेस्टिक एनिमल्स। पालतू पशुओं की यदि बात की जाए तो इस पे क्या हो सकता है, लाइस वगैरह, बग वगैरह, मॉस्किटोज वगैरह क्या करती है, फ्लाइज वगैरह, मक्खियाँ आदि बैठती हैं और क्या है, ब्लड को सक करने का या त्वचा को, स्किन को क्या करती है, काटने का काम करती है, जिससे क्या होती है, एनिमल्स को, पशुओं को हानि पहुँचती है। पालतू पशुओं पर पालतू पशुओं पर पिस्सू 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 पिस्सू
मुख्य रूप से क्या कहाँ पाया जाता है, किसी भी बहुत छोटा जीव होता है इसके अंदर है ना, यदि प्लेग की यदि बात की जाती है, प्लेग रोग की जो हम लोग बात करते हैं, पिस्सू क्या होता है, उसका वाहक होता है पिस्सू। और एक होते हैं जितने भी हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, ठीक है ना, डोंटिवोरस एनिमल्स होते हैं, जैसे कि गिलहरी हो गया और चूहा हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं। अब पिस्सू के अंदर अगर ये कंटेमिनेटेड फूड पे पाया जाएगा तो पिस्सू के अंदर क्या हो सकता है, यरसीनिया पेस्टिस या पास्टरेला पेस्टिस हो सकता है, जो कि क्या था, जो कि प्लेग का क्या था, रोग कारक था, पैथोजेनिक एजेंट था, ठीक है ना। यदि ये कंटेमिनेटेड फूड पे पाए जाएंगे तो ये यरसीनिया पेस्टिस या पास्टरेला पेस्टिस जो वायरस है पिस्सू के अंदर आएगा, और पिस्सू को कौन खाएगा, ये कह सकते हैं पिस्सू किस पे, अनाज पे पाए जाते हैं, जिसको अनाज को ग्रहण करते हैं, चूहे गिलहरियाँ, ठीक है ना, ये जीव खाएंगे, ये जीव यदि खाएंगे तो इनके अंदर आएगा और इनसे क्या आ जाएगा, मनुष्य में आ जाएगा, जो कि अन्य खाद्य पदार्थों तक जाएंगे। यदि उस खाद्य पदार्थ को मनुष्य ने ग्रहण कर लिया तो ये क्या हो जाएगा, प्लेग का कारक हो जाएगा। तो पिस्सू क्या होता है, एक रोग कारक होता है, रोग वाहक होता है, सॉरी, रोग वाहक होता है, ठीक है ना। जू लाइज जिसे हम लोग बोलते हैं, जू कुछ बग खटमल जैसे बोलते हैं, ठीक है ना, और मच्छर मक्खियाँ, मच्छर व मक्खियाँ बैठकर बैठकर पशुओं की त्वचा को काटती हैं तथा रक्त को चूसने का कार्य करती हैं, कार्य करती हैं, ठीक है ना, रक्त को चूसने का भी क्या करेंगी, ये कार्य करेंगी। मेलोफेगा की यदि बात की जाती है, मेलोफेगा जो जू है, लाइस है, ठीक है ना, ये क्या करती है, चूजे जो होते हैं मुर्गियों के, या कह सकते हैं मुर्गियों के पैरों को क्या करती है, नष्ट करती है, मुर्गियों के पैरों को नष्ट करती है, ठीक है ना, मुर्गियों के क्या कर दिया, पैरों को यहाँ पे नष्ट कर दिया है। कुछ क्या होंगे, कैरियर की तरह भी, डिजीज कैरियर की तरह भी कार्य करेंगे। जैसे कि हमने प्रोटोजोआ के आर्थिक महत्व पढ़े थे, उसमें टिस टिस फ्लाई पढ़ी थी, सीसी मक्खी को पढ़ा हमने, ठीक है ना, ये सीसी मक्खी काला अजर रोग करने में क्या कर रही थी, हेल्प कर रही थी। इसी प्रकार से सेंड फ्लाई पाई जाती है, ठीक है ना, जो कि क्या करती है, स्लीपिंग सिकनेस, निंद्रा रोग को बढ़ाने का कार्य करती है। तो इस प्रकार से क्या करती है, घरेलू जीवों के लिए भी क्या होंगी, ये हानिकारक पाई जाएंगी, घरेलू जीवों के लिए भी हानिकारक पाई जाएंगी। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।